वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग प्लेटूब जो स्किप है उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हो अपना साइट में। ठीक है, तो हम लोग हमारा साइट में प्लेटूब स्किप को इंस्टॉल किया है और उस साइट में किस तरह से आप वीडियो अपलोड करेंगे इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। तो हमारा जो साइट है वो आप लोग देख सकते हो, ये जो हमारा साइट है प्लेटूब स्किप देकर क्रिएट किया है। तो इस साइट में हम लोग फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग इसको इंस्टॉल किया है और लोगो भी चेंज किया है तो आप लोग इसमें वीडियो किस तरह से अपलोड कर सकते हो वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर इसको इंस्टॉल किस तरह से करते हो वो आप लोग नहीं जानते हो तो मेरा जो वीडियो है वो आपको देखना होगा, हाउ टू इंस्टॉल प्लेटूब स्किप, इसको आप लोगों को देखना होगा। इसमें मैं स्टेप बाई स्टेप बता चुका हूँ किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा आपका साइट में। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो अपलोड बटन है इसमें क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को मैसेज शो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो जस्ट एडमिट सी, मैं एडमिट हूँ इस साइट का, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज शो हो रहा है। क्या मैसेज शो हो रहा है, नॉट योर सर्वर मैक्सिमम अपलोड साइज 2 MB। और यहाँ पर मेरा जो सर्वर है वो उसका अपलोड साइज मैक्सिमम 120 MB, और यहाँ पर 120 MB के ऊपर मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से इंक्रीज करते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग किस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग किस तरह से वीडियो साइज अपलोड लिमिट इंक्रीज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक करना है और मैं इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक कर दिया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो अपलोड है वो स्टार्ट हो चुका है और कम्प्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे क्या क्या यहाँ पर करना होगा है। तो देख सकते हो मेरा जो 100% वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो इट इज ए मूवी, यहाँ पर आपका अगर मूवी है तो आप लोग यस कर दीजिएगा, और मूवी नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर नो कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर वीडियो का टाइटल मेरा ऑटोमेटिकली आ गया है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को टाइटल दूंगा और यूनिक वेब स्कूल में इसको लगा देता हूँ। तो आप लोग आपका जो वीडियो है उसका टाइटल यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना होगा, तो मैं क्या डिस्क्रिप्शन दूंगा मेरा वीडियो का, तो इस वीडियो को प्ले करते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ, यही है मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कैटेगरी कोई भी कैटेगरी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। किस तरह से इस साइड में कैटेगरी ऐड करते हैं और किस तरह से कैटेगरी को एडिट करते हैं वो भी वीडियो में जल्द से जल्द आपको देने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको म्यूजिक में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जियो ब्लॉकिंग। तो आप लोग यहाँ पर कौन कौन कंट्री को ब्लॉक कर सकते हो वो यहाँ पर है। आप लोग अगर चाहते हो कोई भी कंट्री को ब्लॉक करना तो यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी, यहाँ पर पब्लिक है तो मैं यहाँ पर पब्लिक देता हूँ। उसके बाद एज रिजेक्शन, यहाँ पर अगर आपका वीडियो 80+ है तो आप लोग 80+ सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा वीडियो 80+ नहीं है। उसके बाद वीडियो का टैग देना है, यहाँ पर सॉन्ग, यहाँ पर म्यूजिक, तो इस तरह से आप लोगों को टैग देना है। उसके बाद अगर आपका वीडियो फ्री है तो आप लोग यहाँ पर कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका वीडियो पेड है तो आपको यहाँ पर आपका वीडियो कितने का है वो आप लोग यहाँ से दे सकते हो। तो मेरा वीडियो फ्री है इसलिए इसको क्लोज करता हूँ। और यहाँ पर आपको थंबनेल ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, थंबनेल यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर थंबनेल ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, यहाँ पर पब्लिश बटन में क्लिक करके इसको पब्लिश कर देता हूँ और मेरा जो वीडियो है वो यहाँ पर पब्लिश हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग आपका जो वीडियो है उसको पब्लिश कर सकते हो आपके साइट में। अगर इस वीडियो को आप लोग प्ले करते हो तो मैं यहाँ पर साउंड ऑफ कर देता हूँ, प्ले कर सकते हो, यहाँ से आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो
तो इस तरह से आपका वीडियो दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं कॉपीराइट इशू होगा, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को प्ले नहीं कर सकता। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपका वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आपका जो वीडियो है उसका अपलोड साइज इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।